Assalamu alaikum viewers, my name is Shahre Seema. Welcome back with another video of Lahore Smart City. This video is about one canal residential plots in Lahore Smart City. इस वीडियो में मैं आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में एक कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट की ओल्ड प्राइजेज, न्यू प्राइजेज, डायमेंशन, साइज, डेवलपमेंट चार्जेस, प्राइम लोकेशन चार्जेस और लोकेशन के बारे में बताऊंगा कि ये एग्जेक्टिव ब्लॉक में और ओवरसीज ब्लॉक में किस किस जगह पर लोकेटेड हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी टच कर दें ताकि आपको लाहौर स्मार्ट सिटी की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। लाहौर स्मार्ट सिटी पाकिस्तान का दूसरा और लाहौर का पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। अगर लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन की बात करें तो ये लाहौर की बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर वाकई है। लाहौर स्मार्ट सिटी लाहौर की 5 पब्लिक रोड से डायरेक्टली लिंक्ड है, जिनमें लाहौर बाईपास, N5 GT रोड, लाहौर रिंग रोड, M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे और M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे आती हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी के एक तरफ N5 GT रोड आती है जो लाहौर को गुजरांवाला के साथ कनेक्ट करती है, दूसरी तरफ M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे आती है जो लाहौर को सियालकोट के साथ कनेक्ट करती है। M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे से भी लाहौर स्मार्ट सिटी को आसान तरीन रसाई फराम की जाएगी। लाहौर स्मार्ट सिटी के साउथ साइड पर लाहौर बाईपास आती है जो डायरेक्टली जाकर लिंक करती है लाहौर रिंग रोड के साथ। लाहौर रिंग रोड के जरिए आप लाहौर के तमाम इलाकों को आसान तरीन तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी की साइड से 3 से 4 किलोमीटर वेस्ट साइड पर ट्रैवल करें तो M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे आती है जो लाहौर को इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट करती है। अगर लाहौर स्मार्ट सिटी के डेवलपर की बात करें तो फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है जो कि सब्सिडरी कंपनी है हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड की। हबीब रफीक पाकिस्तान में एक जाना पहचाना नाम है जिनकी पास्ट 60 ईयर्स की हिस्ट्री है। अगर उनके कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें जो उन्होंने डिलीवर किए हैं पास्ट 60 ईयर्स में तो उनमें सरफहरिस्त DHA लाहौर, DHA रावलपिंडी, बैरियर टाउन लाहौर, बैरियर टाउन रावलपिंडी, इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर, M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इस तरह के बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी में एक कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट 2 ब्लॉक्स में अवेलेबल है, एग्जेक्टिव ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक। ओवरसीज ब्लॉक में सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी बुकिंग करा सकते हैं जबकि एग्जेक्टिव ब्लॉक में लोकल पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी दोनों बुकिंग करा सकते हैं। अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में एक कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट की साइज की बात करें तो इसका साइज है 50x90, 50 फीट फ्रंट, 90 फीट लेंथ। अगर एक कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट की डायमेंशन की बात करें तो ये 500 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट है। अगर गजों में बात करें तो 500 गज का प्लॉट है। अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में एक कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट की करंट प्राइसेस की बात करें तो एग्जेक्टिव ब्लॉक में एक कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट की टोटल प्राइस है 71,25,000 रुपये, बुकिंग सिर्फ 7,12,500 से और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 4,75,000 रुपये। अगर ओवरसीज ब्लॉक में एक कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट की टोटल प्राइस की बात करें तो टोटल प्राइस है 72,60,000 रुपये, बुकिंग सिर्फ 7,26,000 रुपये से और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 4,84,000 रुपये। एक कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट सोसाइटी की तरफ से 3.5 साल की ईजी इंस्टॉलमेंट्स पर दिया जा रहा है। आप सिर्फ 10% पेमेंट करके अपने प्लॉट की बुकिंग करवा सकते हैं। एक माह बाद दोबारा आप 10% एज कन्फर्मेशन पे करेंगे और आपके प्लॉट की 20% पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। रिमेनिंग 80% पेमेंट आप 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में एक कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट की ओल्ड प्राइसेस और न्यू प्राइसेस का कंपैरिजन करें तो एग्जेक्टिव ब्लॉक में एक कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट की ओल्ड प्राइस थी 54 लाख रुपए, अभी प्राइस है 71,25,000 रुपए। टोटल जो डिफरेंस आता है ओल्ड प्राइस में न्यू प्राइस में वो है 17,25,000 रुपए। अगर ओवरसीज ब्लॉक की बात करें तो ओवरसीज ब्लॉक में एक कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट की ओल्ड प्राइस थी 55 लाख रुपए, अभी रेट है 72,60,000 रुपए। टोटल जो डिफरेंस आता है ओल्ड प्राइस में न्यू प्राइस में वो है 17,60,000 रुपए। अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में एक कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट के डेवलपमेंट चार्जेस की बात करें तो सोसाइटी ने जो पेमेंट स्केड्यूल अनाउंस किया है उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ द लैंड है। आप में से बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सोसाइटी ने अभी तक डेवलपमेंट चार्जेस क्यों अनाउंस नहीं किए। उसकी एक बेसिक सी रीज़न है कि सोसाइटी अभी नॉन डेवलप्ड है, सोसाइटी में डेवलपमेंट इनिशियल स्टेजेस पर है। एक चीज़ अभी तक डेवलप्ड ही नहीं हुई तो आप कैसे उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आज से 2 साल बाद, 2.5 साल बाद जब सोसाइटी अपने काफ़ी ब्लॉक्स डेवलप कर लेगी और पोजेशन देने की कंडीशन में आ जाएगी तब सोसाइटी अपने डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस करेगी। अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी में एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट चार्जेस की बात करें तो ये 70,000 से लेकर 1 लाख रुपीज पर मल्ला डेवलपमेंट चार्जेस एक्सपेक्टेड हैं। इसकी बेसिक सी रीजन ये है क्योंकि हबीब रफीक लिमिटेड का जो पहला प्रोजेक्ट था कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद, वहां पर डेवलपमेंट चार्जेस 1,20,000 रुपए पर मरला है। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की लैंड में और लाहौर स्मार्ट सिटी की लैंड में काफी ज्यादा डिफरेंस है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की लैंड पोटवा रीजन में आती है जिसकी वजह से वहां पर डेवलपमेंट करना काफी मुश्किल है और काफी ज्यादा कॉस्ट आती है। इन कंपेरिजन लाहौर स्मार्ट सिटी की लैंड काफी लेवल लैंड है और डेवलपमेंट करना ईजी है जिसकी वजह से कॉस्ट कम आती है। बहुत से क्लाइंट की तरफ से क्यूरीज आती हैं कि हम ये डेवलपमेंट चार्जेस कब पे करेंगे, एट अ टाइम ऑफ बैलेटिंग पे करेंगे, एट अ टाइम ऑफ पोजेशन पे करेंगे या एंड ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लान पे करेंगे।
ये डेवलपमेंट चार्जेस आप एट द टाइम ऑफ पोजेशन पे करेंगे और वो भी मोस्ट प्रॉबली आप 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। जब आपको पोजेशन हैंड ओवर कर दिया जाएगा प्लॉट का, तब आप पहली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो होती है डेवलपमेंट चार्जेस की वो पे करेंगे और आपको प्लॉट हैंड ओवर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं डेवलपमेंट चार्जेस की, वो आप 3 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। अगर प्राइम लोकेशन के चार्जेस की बात करें तो पार्क फेसिंग कॉर्नर मेन बुलेवार्ड बिटवीन 41 फीट एंड 99 फीट जो होगी उसके 10% एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। अगर मेन बुलेवार्ड 100 फीट और अबव हुई तो उसके 15% एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में एक कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स की लोकेशन की बात करें कि एग्जेक्टिव ब्लॉक में और ओवरसीज ब्लॉक में किस किस जगह पर लोकेटेड है, अभी आप अपनी स्क्रीन पर लाहौर स्मार्ट सिटी का प्रपोज मास्टर प्लान देख सकते हैं। ये मास्टर प्लान सुरबाना जोंग ने डिजाइन किया जो कि एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। ये प्रपोज मास्टर प्लान है, अगर इसको कॉन्सेप्चुअल मास्टर प्लान भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम सोसाइटी इसमें चेंजेस कर सकती है, लेकिन अगर आज की डेट में बात करें कि आज की डेट में लाहौर स्मार्ट सिटी में एक कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग्स कहाँ पर रखी गई हैं, तो ये जो रोड आपको नजर आ रही है ये N5GT रोड है जो लाहौर को गुजरांवाला के साथ कनेक्ट करती है। नॉर्थ साइड पर गुजरांवाला लोकेटेड है और साउथ साइड पर लाहौर लोकेटेड है। ये ग्रीन कलर का जो पैच आपको नजर आ रहा है काला शाह काकू इंटरचेंज है। काला शाह काकू इंटरचेंज से ये जो ईस्ट साइड पर रोड जा रही है ये लाहौर बाईपास है जो डायरेक्टली जाकर लिंक करती है लाहौर रिंग रोड के साथ। ये जो रोड आपको नजर आ रही है ये M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे है जो लाहौर को सियालकोट के साथ कनेक्ट करती है। ये जो रोड आपको नजर आ रही है ये एक्सेस 2 है लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर। ये 300 फीट की मेन बुलेवार्ड है। 300 फीट की मेन बुलेवार्ड के ये राइट साइड पर अगर आप देखें तो ओवरसीज ब्लॉक के लिए लैंड रिजर्व की गई है। यहाँ पर एक कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग्स रखी गई हैं। और अगर आप थीम पार्क के ऑपोजिट और एक्सेस 1 के ऑपोजिट देखें तो ये रोड जो आपको नजर आ रही है ये एक्सेस 1 है। एक्सेस 1 के ऑपोजिट ये जो ब्लॉक आपको नजर आ रहा है ये भी ओवरसीज ब्लॉक है। यहाँ पर एक कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग्स रखी गई हैं। अगर एग्जेक्टिव ब्लॉक की बात की जाए कि एग्जेक्टिव ब्लॉक में एक कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग्स कहाँ पर रखी गई हैं, तो ये जो आपको ब्लॉक नजर आ रहा है ये फार्म हाउसेज के लिए लैंड रिजर्व की गई है। इसके एडजेसेंट जो है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक के लिए लैंड रिजर्व की गई है। यहाँ पर एक कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग्स रखी गई हैं। सो व्यूवर्स, दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के हवाले से कुछ भी मालूमात चाहिए तो मेरा नंबर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर अवेलेबल है 03457777848। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर। शारे सीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।